स्वागत तो है आप सभी का अन एकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल में हम लोग इस चैनल के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का अध्ययन कर रहे हैं यह अध्ययन यूपीएससी प्रलिम्स और स्टेट कमीशन के जो प्रलिम्स के एग्जाम होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद उपयोगी होगा इसी परिप्रेक्ष्य में इसका नाम ही हम लोगों ने फटाफट सीरीज के रूप में रखा है जाना है समझा है। तो भारतीय संविधान के परिपेक्ष में जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रारंभ में आप लोग देखते होंगे जो संवैधानिक सुधार हैं जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार किए चाहे वो कंपनी के परिपेक्ष में हो ईस्ट इंडिया कंपनी के परिपेक्ष में हो चाहे वो हम लोगों के परिपेक्ष में हो हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोगों ने यह अध्ययन सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ किया था और उन्नीस के मार्लो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं इसका तो आज की क्लास में हम लोग 1919 के भारत सरकार अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम और उन्नीस के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इन्हीं तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि अधिकतर जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का अध्ययन आप लोगों के बीच में प्रारंभ होता है या आप लोग पढ़ते हैं तो वो उन्नीस के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से ही पढ़ते हैं हम लोगों ने बड़े बेसिक तरीके से और शुरुआती तरीके से इसका अध्ययन किया है और इसलिए हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ाया है आप लोगों को कि इतिहास के खंड में जब आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ें तब वहां भी इस पूरे खंड को पढ़ाना पड़ता है तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यानी इतिहास के दृष्टिकोण से यह अध्ययन हम लोगों ने किया है इसी पक्ष इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 1919-1935 के अधिनियम को आज हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग तैयार हो जाइए स्वागत है आप सभी का अभिनंदन है आज की क्लास में शुरुआत करते हैं हम लोग तो ये अन एकेडमी का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सबक्रिप्स लेने पे आप लोगों को चार आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं कैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन लें सब्सक्रिप्शन के परिपेक्ष में क्या क्या कोर्स है यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो तैयार हो जाइए आप लोगों की क्लास प्रारंभ हो चुकी है एक तरीके से तो यहाँ पे सबक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को जो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन मिल रहा है मैं भी इसी में शामिल हूँ हमारा भी आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को क्या क्या खास खास सुविधाएं मिलती हैं ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सबक्रिप्शन लेने पे सामान्य अध्ययन का दो सब्सक्रिप्शन है एक प्लस कोर्स का है एक आइकोनिक कोर्स का है तो ये जो प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स की खास खास बातें हैं इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो प्लस कोर्स है ये आपको छः महीने बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है इसकी फ़ीस भी यहाँ पे मेन्शन है इसमें आप लोग एडमिशन या सब्सक्रिप्स लेते समय हमारे रेफरल कोड एस ए एन डे डबल -E ई -E बी ये हमारा नाम भी है और रेफरल कोड भी है इसी रेफरल कोड का यूज करना है इसको अप्लाई करना है इसको अप्लाई करते ही आपको जो भी यहाँ पे फीस मेंशन है उसमें दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इसी तरीके से आपका आइकॉनिक कोर्स है यह आइकॉनिक कोर्स है आपको यहाँ पे बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई वी के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लीजिएगा ऐसा करने पे आपको जैसे ही अप्लाई करेंगे ये रेफरल कोड आपको इस फ़ीस में भी आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी तो ये दोनों आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोगों ने जाना इसके अलावा ये जो दोनों सब्सक्रिप्शन है इसकी खास बात जो है उसको मैं बता देता हूँ प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स इसमें लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर शेड्यूल और कोर्सेज आपको मिलता है जबकि आइकोनिक में ये चार सुविधाएं तो मिलती ही हैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है टेस्ट एनालिसिस भी मिलता है स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है और प्रॉपर आपको गाइडलाइंस भी यहाँ पे मिलता है इस आइकोनिक कोर्स में <coughs> इसके अलावा आन एकेडमी ने फोर इन वन का ऑफ़र आप लोगों को दिया है यूपीएससी सीएससी के अध्ययन के परिपेक्ष में यह जो ऑफर है वो इस महीने की 28 अप्रैल तक ही बैलड है यहाँ पे आपको एक तरीके से जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे इसके अलावा ये जो ऑफ़र है ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के रूप में प्रसिद्ध है इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड के माध्यम से एंट्री लीजिएगा एस ए एन E डबल -E ये हमारा रेफरल कोड है इसी के माध्यम से यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये 28 अप्रैल तक बैलेड है इसमें यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस के परिपेक्ष में लोन भी है इसमें बीस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो 10 प्रतिशत आपको यहाँ पे भी आपको यानी किसी भी फी में 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता ही है आन अकेडमी ने यूपीएससी ऑप्शनल के परिपेक्ष में और सामान्य अध्ययन के परिपेक्ष में दोनों का एक कम्बाइंड कोर्स भी प्रारंभ किया है और ये जो कम्बाइंड कोर्स है ये आपको बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है ये भी हमारे रेफरल कोड हम अपना रेफरल कोड आप लोगों को बता दे रहे हैं ये हमारा नाम भी है जैसा कि हमने पहले भी बताया और रेफरल कोड भी है इसका आप लोग प्रयोग करेंगे तो इस फीस में आपको यहाँ भी दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यू का टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज है आन अकेडमी आप लोग यहाँ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज इसके अलावा आन एकेडमी ने 28 अप्रैल से अपने यहाँ ये यह जो 28 अप्रैल आने वाली तिथि है इस तिथि से कई प्रकार के बैचों को प्रारंभ किया है ये सारे बैच फ्रेस बैचेज हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये टू ईयर का कम्प्लीट यू पी का बैच है और वन ईयर का कंप्लीट यूपीएससी सीएससी एस का बैच है इसके अलावा एन का भी यहाँ पे स्पेशल बैच है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं तैयार हो जाइए आप लोग स्वागत तो है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं पहुंचते हैं आज हम लोग 1919 के भारत सरकार अधिनियम पर तो वहीं पहुंच रहे हैं आप लोग तैयार रहिए उन्नीस का भारत सरकार अधिनियम इसी का अध्ययन हम लोग आज की क्लास में प्रारंभ करेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पढ़ेंगे और उन्नीस के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इन तीनों अधिनियमों का अध्ययन हम लोग करेंगे मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों अधिनियम इतना ज्यादा आधारभूत अधिनियम है कि खास करके इसमें जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है जो हमारा संविधान बना है उसका दो बटा तीन भाग यहीं से लिया गया है 1935 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से तो बड़ी ही गहराई से बड़ी ही तन्मयता के साथ बड़े ही जोश के साथ इसका अध्ययन आप लोगों को करना है हम लोग शुरू करेंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम से उसके बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे 1935 के अधिनियम बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं जो भी प्रश्न आएंगे उसको भी देखा जाएगा सभी लोग खुश रहिए सभी लोग शांति से पढ़ना है इसको हाँ 1919 के अधिनियम से शुरू करेंगे 1935 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो शुरुआत मैंने कर दी है शामिल हो जाइए जल्दी से आप लोग शामिल हो जाइए आप लोग शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में एक बार जल्दी से सब लोग शामिल हो जाए टाइम हो चुका है जल्दी से आप लोग शेयर कर लीजिए एक बार सब लोग शामिल हो जाएं, लाइक भी करते रहिए आप लोग शुरू करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं ठीक है हा उन्नीस का भारत सरकार अधिनियम तो तैयार हैं आप लोग बिल्कुल तैयार उन्नीस 1935 का भारत सरकार अधिनियम देखो जो उन्नीस का भारत सरकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उसको तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1919 का पहले तो जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है इसे मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉन्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पे ये आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम आधारित है तो आपको ये जानना है कि आखिर मॉन्टेंग्यू कौन है और चेम्सफोर्ड कौन है तो जो मॉन्टेंग्यू है वो इस समय भारत सचिव है और ये भारत में नहीं रहता ये लंदन में बैठता है यानी इंग्लैंड में बैठता है इसके अलावा जो दूसरा इसमें है उसका नाम है वो वो एक तरीके से जो पद है चेम्सफोर्ड का तो चेंसफोर्ड इस समय भारत का वायस राय है और ये भारत में ही बैठता है तो ये जो मॉन्टेंगू जो लंदन में बैठता था ये भारत आया वर्ष 1917 सौ ईस्वी में ही और 1917 सौ ईस्वी में जब भारत आया तो भारत में इस समय एक तरीके से यही मौसम था मई या जून का महीना था तो भाई भारत सचिव भारत आ रहा है कोई सामान्य बात नहीं है एक विशेष बात है जो लंदन में बैठता है अब वो भारत आ रहा है तो भारत के परिपेक्ष में कुछ घोषणाएं वगैरह करेगा एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब वो 1917 सौ ईस्वी में भारत आ रहा है और भारत के परिपेक्ष में कुछ घोषणाएं करने के लिए आ रहा है चाहे वो भारतीयों को कुछ रिलैक्स देने के लिए आ रहा हो चाहे वो भारतीयों के लिए कुछ नकारात्मक बातों को लेके आ रहा हो नकारात्मक पक्ष को लेके आ रहा हो लेकिन जब ये आएगा भारत तो भारत आने के बाद में आखिर ये कहाँ और किससे मुलाकात करेगा तो सबसे पहले ये जो मुलाकात करेगा एक मिनट के लिए थोड़ा सा आप लोगों का मैं एक बहुत इमरजेंसी आ रहा है क्योंकि एक तरीके से हमारे एक खास मित्र की डेथ हो गई फोन आ रहा है तो एक बहुत ही आया था बता के गया था आप लोगों रिलेटिव हैं परसों है। अस्थिरता आप लोगों की आवाज़ में भी बात करते आगे बढ़ते आवाज आ रही है ना हाँ सर वॉइस वाई, वॉइस अब आ गई होगी ना हाँ वॉइस आ गई अब आप लोगों को क्लियर कीजिएगा आप लोग एक बार वॉइस आवाज आ रही है आप लोगों को वॉइस आ रही है ओके वेरी गुड ये अच्छी बात हुई ना हाँ तो हम लोग समझ रहे थे इसकी कुछ बेसिक बातों को 1919 के अधिनियम की कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझ रहे थे और ख़ास करके हम लोग मॉन्टेंग्यू और चम्सफोर्ट के बारे में समझ रहे थे तो हमने देखा कि जो भारत सचिव मांटेंगू था ये भारत सचिव या इंडिया सेक्रेटरी के पद का जो गठन किया गया ये वर्ष अट्ठारह के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था ठीक और उसी के लिए एक भारत परिषद या इंडिया काउंसिल बनाई गई थी वो सब अठारह के अधिनियम द्वारा ही बनाई गई थी वही चीज चल रही है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय तो जिस भारत सचिव के पद का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था वही भारत सचिव लंदन में रहता था भारत में नहीं रहता था लेकिन अब भारतीय मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए भारत आ रहा है अब आप लोग ये बता दीजिए कि ये महीना क्या है ये महीना मई या जून का है वो भारत में आ रहा है गर्मी का समय ब्रिटिशर से आ रहा है बहुत बड़े साम्राज्य साम्राज्यवादी देश का प्रतिनिधि भारत आ रहा है अब अगर वो भारत में इस समय जो भारत का वायसराय है चिंस फोर्ट उससे मुलाकात करेगा तो उससे मुलाकात कहाँ करेगा नागपुर में करेगा या बंबई में मुलाकात करेगा या दिल्ली में मुलाकात करेगा या शिमला की तरफ जाएगा और वहां मुलाकात करेगा जरा तार्किक शक्ति का प्रयोग करके आप लोग बताइए कहा मुलाकात करेगा वो वो कहा मुलाकात करेगा बता सकते हैं आप लोग कहा मुलाकात करेगा बताइए मैं देख रहा हूं एक बार बताइए आप सभी लोग बताइए आप लोग तुम तो इधर रहना <coughs> थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है चलिए अब नहीं होगी तो ये जो चेम्सफोर्ड आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये जो मॉन्टेंगू भारत आया तो इससे मुलाकात कहां पे की इससे मुलाकात ये कर रहा है शिमला में शिमला में इससे मुलाकात हुई ठीक है शिमला अंग्रेजों ने अपनी इस समय राजधानी बना रखा था और ये एक तरीके से जो गर्मी का मौसम होता था ये लोग यहीं पे मिलते थे एक तो आपकी राजधानी जो नई दिल्ली है वो तो 1912 में स्थापित ही हो चुकी थी लेकिन एक और राजधानी है जिसका नाम है शिमला तो ये भी राजधानी के रूप में हाँ, ग्रीसमकालीन राजधानी के रूप में तो यहीं पे इन लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में भारतीय मामलों के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें कही ठीक है अब इस समय अगर भारत की स्थिति को आप लोग देखेंगे जो 1919 का युग है या 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय है? इस बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में भारत की स्थिति क्या है हम लोग अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं हमारे यहाँ दो धड़ा बना हुआ है एक उदारवादी लोगों का है और एक उग्रवादी लोगों का है उग्रवादी लोगों में लाल बाल पाल ये लोग शामिल हैं कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले भी शामिल हैं वो काफी उग्र हैं जो युवा वर्ग के लोग हैं और इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी काफी बढ़ चुकी हैं और जो उदारवादी धड़ा है उसका नेतृत्व तो अब गांधी जी करने लगे हैं गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग लगभग अपनी मुट्ठी अपने हाथों में ले लिया है उसका प्रतिनिधित्व तो करने लगे हैं और लेकिन गांधी जी इस समय अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं 1919 के पूर्व या 1919 के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है गांधी जी सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद में कहते हैं कि भाई आपको कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं खड़ा हूं आपके लिए लेकिन जब युद्ध खत्म होता है तो अंग्रेज गांधी जी को कुछ भी नहीं देते तो बाद में आप लोग देखेंगे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं लेकिन अब उसके पहले 1919 के अधिनियम की बात आती है तो जानते हैं इसके बारे में तो ये 1917 सौ सत्रह ईस्वी में ये जो इस समय भारत सचिव मॉन्टेंग्यू है और इस समय भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड है इनमें आपस में बात हुई और आपस के जो सुधारों की बात हुई उसको एक घोषणा के रूप में भारतीयों के सामने लाया और इसमें जो इन्होंने एक बात कही वो यह कही कि हम भारतीयों को डोमिनियन का दर्जा देना चाहते हैं हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन की स्थिति देना चाहते हैं लेकिन इनमें इन्होंने एक शर्त लगाई इसमें इसमें कहा कि जो भारतीयों को हम डोमिनियन या अस्थ जो उत्तरदायी शासन देंगे वो एक चरण में नहीं देंगे वो कई चरणों में देंगे और एक चरणों में ना देखिए कई चरणों में देंगे यानी पहले चरण का मान लीजिए उत्तरदायी शासन दे दिया या डोमिनियन की स्थिति दे दी फिर दूसरे चरण की दी कुछ दिनों बाद फिर तीसरे फिर चौथे चरण की चार चरण में उत्तरदायी शासन देने की बात की और इसमें कुल मिला के एक प्रतिबंध इन्होंने ये लगा दिया कि देखो भाई डोमिनियन के परिपेक्ष में जितना आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने की स्थिति का सर्वेक्षण हम करेंगे यानी ब्रिटिशर्स करेंगे यानी मान लीजिए कि डोमिनियन हम आपको दे रहे हैं और आप उसमें प्रगति नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरे चरण का डोमिनियन हम आपको रोक देंगे और उसका सर्वेक्षण हम भी करेंगे तो ये ब्रिटिशर्स बड़े ही सातिर और बड़े ही चालाक किस्म के लोग थे इससे तो भारत को एक तरीके से कुछ मिला ही नहीं जब भारत को कुछ मिला नहीं तो बाद में इन्होंने 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इसमें जो मुख्य प्रावधान है उसको हम लोग देखेंगे ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो अब तैयार हो जाइए आप सभी लोग देखते हैं आगे की बातों को इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया गया अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में वर्ष 1909 सौ ईस्वी में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन दिया गया था मुस्लिमों को सर्वप्रथम दिया गया था अब इस निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया गया इसका विस्तार किया गया इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कब मिला 1909 में मिला इसको बढ़ाया कब गया तो 1919 के सुधार द्वारा बढ़ाया गया अब यह मुस्लिमों के अलावा यानी मुस्लिमों को तो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के तहत ही दे दिया गया था अब ये आगे बढ़ाया गया और अब यह सिखों को दे दिया गया और अब यह ईसाइयों को दे दिया गया और अब यह भारत में रह रहे अंग्रेजों को भी दे दिया गया यानी आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया गया इस तरीके से इसको कई कैटेगरी या समाज के कई वर्ग के लोगों को दे दिया गया इसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं इसका विस्तार किया गया इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार यानी वोटिंग की व्यवस्था भारत में मिली ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला तो आप लोग क्या कहेंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा वोट डालने की शक्ति महिलाओं को दी गई इसके पहले पुरुषों को ये शक्ति मिली हुई थी ये राइट मिला हुआ था ये अधिकार मिला हुआ था और अब यह अधिकार किसको दिया गया अब यह अधिकार महिलाओं को भी मिल गया मताधिकार का अधिकार ठीक दो बातें खास हो गई यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार को बढ़ाया गया और यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला दो चीजें खास थी इसके बाद में भारत सचिव के लिए एक हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया जो भारत सचिव इंग्लैंड में बैठता था उसको बड़ी दिक्कत होती थी भारत आता था बातचीत करता था वायस राय वो फुर्सत नहीं रहती थी तमाम सारी पाबंदियां भी थी अब इस गतिविधि को दूर करने के लिए इस परेशानी को दूर करने के लिए और प्रशासनिक समतुल्यता को कायम करने के लिए इसी 1919 के अधिनियम द्वारा एक हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया मुझे लगता है कि ये प्रश्न हाई कमिश्नर वाला बहुत जल्दी ही आपके किसी एग्जाम में पूछा है शायद यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया सर्वप्रथम हाई कमिश्नर के पद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया तो हाई कमिश्नर के पद का गठन सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम के तहत किया गया और किसके लिए होता था ये भारत सचिव की सहायता के लिए होता था ठीक अगली बात देखिए इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई एक और नवीन बात आपको यहां पे देखने को मिल रही है कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतों की बात हो रही है केंद्र की बात नहीं हो रही है किसकी बात हो रही है प्रांतों की बात हो रही है तो ये जो प्रांत हैं प्रांतों में द्वैध शासन यानी को लागू किया गया ये वो द्वैध शासन है जिसका जनक लायोनिल था यही वो आपका द्वैध शासन है अब इस द्वैध शासन में क्या किया गया पहले तो भाई केंद्रीय शासन ही था पहले तो द्वैध शासन था नहीं तो ये जो केंद्रीय शासन था केंद्रीय शासन में केंद्रीय विषय होते थे उस पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती थी वो उस पर अपना विचार विमर्श और राज करते थे लेकिन अब जो केंद्रीय विषय होते थे इनको प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया गया यानी अब दो विषय हो गए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय जैसे आज आज राज सूची के विषय आपको देखने को मिलेंगे और केंद्रीय सूची को विषय को देखने को मिलेंगे और एक और सूची निर्मित होगी जिसका नाम है समवर्ती सूची लेकिन अभी दो प्रकार की सूचियां हैं केंद्रीय सूची और राज्य सूची अभी समवर्ती सूची नहीं आई है ये जो समवर्ती सूची आएगी ये 1935 के अधिनियम द्वारा आएगी कितने विषय हैं स्पष्ट रूप से बंटवारा उन्नीस के अधिनियम में ही बताया जाएगा यहाँ पे नहीं बताया गया लेकिन अब केंद्रीय विषयों को प्रांतीय विषयों में भी बांट दिया गया इसके द्वारा प्रांतीय विषय को दो श्रेणियों में रखा गया अब प्रांतीय विषयों को भी दो श्रेणियों में रखा गया ये देखिए स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पे इस विषय का अवलोकन किया है कि कोई गहमा गहमी ना हो अब केंद्रीय विषय से प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया और चूंकि प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की जा रही है तो अब जो प्रांतीय विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया दो तो भागों में बांट दिया गया पहले विषय को आरक्षित विषय के नाम से जाना गया दूसरे को हस्तांतरित विषय के नाम से जाना गया अब बात यह है कि द्वैत शासन है क्या तो द्वै शासन यानी दो संस्थाओं द्वारा भारत के शासन को नियंत्रित या चलाया जा रहा है इसमें आप लोग देखिए कि द्वैध शासन में दो यहाँ पे संस्थाएं कौन कौन सी हैं तो एक जो संस्था है वो वायसराय या गवर्नर जनरल की संस्था है इसके द्वारा शासन किया जा रहा है और एक जो भारतीय विधान परिषद में मंत्री हैं उनके द्वारा शासन किया जा रहा है और ये देखो इनके पास हस्तांतरित विषय हैं और इनके पास कैसे विषय आरक्षित विषय हैं तो ये विषय ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे या ये विषय देखने में तो ये विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे देखिए आप ये विषय कितने महत्वपूर्ण या उपयोगी हैं लेकिन इन विषयों में खर्चा करना पड़ता है एफर्ट करना पड़ना करना पड़ता है तो इन विषयों को अंग्रेजों ने अपने हाथों में नहीं लिया इनको हस्तांतरित विषय में भारतीय मंत्रियों को दे दिया जबकि ये देखो राजस्व को अपने हाथ में लिया न्याय और वित्त और पुलिस इनसे क्या होती है इनसे इनकम होती है और इनसे कानून व्यवस्था को चलाया जाता है लाइ एंड आर्डर को मेंटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा देखिए यहाँ पे ये वित्त भी है ये राजस्व भी है ये न्याय भी है यानी जो सारे मेन मेन विषय थे उनको अपने हाथों में रख लिया और जो एक तरीके से अच्छे विषय नहीं थे उसको भारतीय मंत्रियों के हाथ में दे दिया यहां पे नोट में एक बात लिखी हुई है कि इस द्वैध शासन का जनक कौन था लायोनिल कर्टिस जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग 1935 के अधिनियम के बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर तो अब आप लोगों के आगे एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसको हम लोग भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं ये जो भारत सरकार अधिनियम है इसका हम लोग परिचय यानी कई खंडों में इसका अध्ययन करेंगे इसका परिचय क्या है इस अधिनियम का आधार क्या है इस अधिनियम के महत्व अधिनियम का महत्व क्या है और अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं और अधिनियम की समीक्षा यानी इसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं ठीक तो आइए देखते हैं पहले कि ये 1935 का अधिनियम है क्या तो 1935 के अधिनियम में आप लोग देखेंगे तो इसमें जो कुल भाग हैं वो पंद्रह भाग हैं कुल कितनी धाराएं हैं तीन सौ इकसठ तीन सौ इक्कीस धाराएं हैं कुल अनुसूचियां कितनी हैं दस अनुसूचियां हैं अब इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा अधिनियम है जिसमें प्रस्तावना ही नहीं है प्रस्तावना ही नहीं है तो ये 1935 का ही अधिनियम है जिसमें प्रस्तावना नहीं है क्यों क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें सीधे जोड़ लिया गया इसीलिए इसमें प्रस्तावना नहीं है ध्यान दीजिएगा यह अंतिम और सबसे बड़ा दस्तावेज था कानून के परिपेक्ष में विधि के परिपेक्ष में या अल्लाह के परिपेक्ष में या अधिनियम के परिपेक्ष में अंतिम सबसे बड़ा दस्तावेज यह कानून था ठीक अब इसके आधार क्या हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी बुनियाद क्या है इसकी नींव क्या है कैसे इस अधिनियम का निर्माण हुआ और यहां से प्रश्न खूब आते हैं आधार से तो थोड़ा सा आप लोग अब तैयार हो जाइए और ठीक ठाक तरीके से हाँ तो पढ़ते हैं इसको आइए देखते हैं इस अधिनियम का आधार क्या है आधार यानी बेस क्या है 1935 के अधिनियम का तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928 गोल में सम्मेलन की रिपोर्ट 1930 सौ तीस ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत समय समय पर श्वेत पत्र एक एक बातों की हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों से प्रश्न भी खूब पूछा जाएगा यहाँ पे तो तैयार भी रहिएगा पढ़ने के लिए भी और प्रश्न के लिए भी तो साइमन कमीशन इसका बेस है साइमन कमीशन इसका आधार है ना अभी आप लोगों ने देखा साइमन कमीशन इसका आधार है साइमन कमीशन साइमन कमीशन 1935 के भारत सरकार अधिनियम का क्या है आधार है तो ये जो साइमन कमीशन है आखिर इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं जिसको 1935 के अधिनियम में आधार के रूप में शामिल किया गया तो ये वही साइमन कमीशन है जिसका गठन कब हुआ था कोई कोई बता सकता है चलिए यहां पे मैं आपको बताता हूँ इसका गठन आप लोग बताइएगा उन्नीस में हुआ था या इसका गठन उन्नीस में हुआ था या इसका गठन उन्नीस में हुआ था या इसका गठन 1930 में हुआ था जल्दी से आप लोग बताइए एक बार देख लूंगा कौन क्या बता रहा है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कब गठन हुआ था इस साइमन कमीशन का चार तिथियां हमने आप लोगों को बताई हैं वाह अच्छी बात है कुछ लोग 1928 बता रहे हैं कब हुआ था भैया इसका गठन शर्मा जी आप बता रहे हैं 1928 जो कि गलत है कोई बात नहीं मैं फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो है ना फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो है तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सही करने वाले हैं वो फिफ्टी प्रतिशत से थोड़ा आगे बढ़े साठ प्रतिशत की तरफ चढ़े ना चले ना जब साठ प्रतिशत की तरफ आप चलेंगे तब मैं कहूँगा हाँ अब ठीक स्थिति में चूंकि साठ प्रतिशत से ज्यादा कभी यूपीएससी में मेरिट आज तक गई ही नहीं कभी गई आपने सुना एकसठ प्रतिशत साठ प्रतिशत या इकसठ प्रश्न जिसका सही है उसका ही होगा ऐसा कभी नहीं हुआ कई बार तो अड़तालीस प्रतिशत भी मेरिट गई है क्योंकि वो पेपर ही इतना कठिन बना देता है कि प्रश्न सही करने की बजाय आधा प्रश्न लोग गलत करके चले जाते हैं कुछ लोग तो माइनस में चले जाते हैं नहीं तो एक आध बार आप लोग यूपीएससी प्रॉब्लम्स का एग्जाम दीजिए देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं लेकिन मैं वास्तविक से परिचित करा रहा हूं तो इसमें जिन लोगों ने भाई 1927 बताया उन लोगों ने बिल्कुल सही बताया ये 1927 सौ ईस्वी में ही इसका गठन किया गया था ठीक इसका गठन किया गया था 1927 सौ ईस्वी में ही इसका गठन किया गया था अब बात है कि गठन क्यों किया गया था क्या है कारण 1927 में इसका गठन किया गया इसका रीजन क्या है क्यों गठन किया गया साइमन कमीशन का तो आप लोग जब 1919 के अधिनियम की स्थिति को पढ़ेंगे गहराई से पढ़ेंगे तो आप लोग वहां पे यह पाएंगे कि ये 1919 का अधिनियम कहता है ये 1919 का अधिनियम कहता है कि देखो प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत की स्थिति के समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और भारत में कितना संवैधानिक विकास हुआ है भारत की संवैधानिक स्थिति क्या है उसका अवलोकन किया जाएगा आपके द्वारा तो भाई 1919 में यह बात कही गई तो 1919 के बाद में जो 10 वर्ष की स्थिति आ रही है वो तो क्या कब आ रही है इसके हिसाब से 1919 के हिसाब से तो उन्नीस आ रही है तो फिर उन्नीस में इस साइमन कमीशन का गठन किया जाना चाहिए था लेकिन इसका गठन सर ने बताया कि उन्नीस सौ उन्नीस सौ सत्ताईस में कर दिया गया तो सर ने बिल्कुल सही बताया लेकिन अब सर को यह भी बताना है कि भाई फिर जब उन्नीस सौ में गठन किया जाना था तो 27 में क्यों कर दिया गया भाई इस तिथि के हिसाब से तो 29 आता है ना दस वर्ष यहाँ पे पूरा होता है तो इसलिए यहाँ पे उन्नीस में इसका गठन कर दिया गया क्योंकि जो ब्रिटेन है ब्रिटेन में आम चुनाव सुनिश्चित हुआ था वर्ष उन्नीस सौ में और इस परिपेक्ष में जो वहां की पार्टी थी ब्रिटेन की जो पार्टियां थी जो एक तरीके से सत्ता पक्ष था अब वो क्या करेगा जैसे दुनिया में हर जगह यही तो होता है अमेरिका वाले लोग भी भारतीयों जो अमेरिका में भारतीय रह है रहे हैं उनको रिझाने के लिए कभी आते हैं दौड़ा करते हैं तमाम सारी घोषणाएं करते हैं तो वहां जो सत्ता पक्ष है वो कहेगा कि भाई भारतीय मामलों में थोड़ा सा एक पहले कमीशन भेज दिया जाए और भारतीयों के बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर दे जिससे थोड़ा भारतीय संतुष्ट हो जाए बाद में देख लिया जाएगा चुनाव का समय है तो चुनाव के समय सब कुछ होता है आप लोग जानते ही यही बात हम लोगों ने भी सीखी है ना यही बात हम लोगों ने भी सीखी है ये सारी बातें जो सत्ता परिपेक्ष में है जो संसद के परिपेक्ष में जो संसदीय प्रक्रिया के परिपेक्ष में है हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से ही तो उधार लिया है तो जो वो करते थे वर्तमान में वही स्थिति है तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़िए अब उन्नीस में गठन किया गया लेकिन भारतीय मामलों के बारे में गठन किया गया और अब ये उन्नीस में साइमन कमीशन भारत आया उन्नीस में भारत आया अच्छे अच्छे लोगों से मिला नेताओं से मिला मुंबई में आया मुंबई में इसको काले झंडे दिखाए गए साइमन गोबेक के नारे लगे क्यों नारे लगे क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल ही नहीं था सब विदेशी सदस्य इसमें थे इसीलिए ऐसा किया गया लेकिन ये अब ये लौट गया दोबारा भारत आया और उन्नीस में आके फिर ये मिला तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया तो दो बार भारत आया ठीक अब साइमन कमीशन फिर लौट गया और 1930 में इसकी रपट आई इसमें जो मूल मूल बातें हैं मैं उसको नहीं बताऊंगा लेकिन इसकी बातों को जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो इसकी बातों को उसमें शामिल कर लिया गया इसीलिए इसको आधार माना जाता है इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो वर्ष 1928 का समय है और वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई अब यहाँ एक बात और आप लोग समझिए कि जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया 1928 में तो भारतीय <laughs> संवैधानिक स्थिति की जानकारी के परिप्रेक्ष में आया था उसके विकास के परिप्रेक्ष में आया था, उसको आप लोगों ने देखा कि वो मानटेंगू था लेकिन इस समय जो भारत सचिव है उसका नाम क्या है उसका नाम है बर्कन हैड बर्कन हैड इस बर्कन हेड में ब्रिटेन बर्कन हेड ने ब्रिटेन में बैठ के बोल दिया कि भाई जब आप लोगों में इतनी क्षमता है इतनी ताकत है इतनी क्षमता है इतने बड़े विधि विशेषज्ञ बनते हैं तो हमने तो साइमन कमीशन को भारत भेजा था इसलिए कि कुछ वो अच्छी अच्छी बातों का निरीक्षण करेंगे और रपट देंगे तो मैं आपको कुछ अधिकार और राइट दूंगा लेकिन जब साइमन कमीशन का ही आप विरोध कर रहे हो तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग ही अपने देश का एक संविधान एक संविधान बना के दिखाओ एक मुखड़ा एक झलक तो कम से कम बना के दिखाओ आप लोग इतने ज्ञानी हो तो इस चैलेंज को हम लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया जब स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस की इस समय एक आधिवेशन का आयोजन किया गया और चेयरमैन नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं मोतीलाल नेहरू को बनाया गया इसमें जो भारत की आल पार्टीज है इस समय उनके सदस्यों को शामिल किया गया सुभाष चंद्र बोस भी इस पार्टी के इस कमेटी के सदस्य थे और इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी 1928 में तो इस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातों को भी शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम में इसके अलावा देखेंगे आप लोग तो लंदन में कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं यानी आप लोग इसको हिंदी में समझ सकते हैं गोल में सम्मेलन हो रहे हैं क्या हो रहे हैं गोल में सम्मेलन हो रहे हैं अब ये गोल में सम्मेलन कई गोल में सम्मेलन हुए थे और इसमें तीन गोल में सम्मेलन हुए थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड अब इन गोल में सम्मेलन की बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पढ़नी है लेकिन पहला गोल में सम्मेलन उन्नीस में हुआ दूसरा दूसरा पहला 1930 में और दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा अंतिम रूप से 1932 में हुआ ये 1931 और 32 के प्रारंभिक समय में भी चला था अब ये गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुए थे वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे जेम्स पैलेस में हुए थे अब इसमें भाग लेने के लिए भारतीय भी जाते थे सेंट जेम्स पैलेस प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबियंस मूवमेंट चला रही है लेकिन धीरे धीरे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी गतिशीलता में कमी नहीं आई और जो पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में तो ये गोलमेज सम्मेलन अधूरा हो गया था। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन था इस परिपेक्ष में आप लोग देखेंगे जब लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई तो ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए सम्मेलन अधूरा रह गया तो ब्रिटिशर्स भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मनाने लगे क्या करने लगे मनाने लगे अब गांधी जी और ब्रिटिशर्स में जो इस समय भारतीय वायस राय है इरविन उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया इस समझौते के अनुसार जो सिविल मूवमेंट था उसको गांधी जी ने एक तरीके से समाप्त घोषित करके जो द्वितीय में सम्मेलन 1931 में लंदन में हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए हामी भर दी गांधी जी एस एस राजपूताना जहाज से लंदन गए वहां पे सेंट जेम्स पैलेस की जो सीढ़ियां गांधी जी चढ़ रहे थे तो धोती लंगोटी में थे मैं गांधी जी की सारी कहानी आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बताऊंगा तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ने देखा तो वो परेशान हो गया कि एक दुबला पतला व्यक्ति कपड़े भी ठीक ठाक नहीं पहना है और इस आदमी से हम हार रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहता है और इस आदमी से हम हार रहे हैं जब दुनिया में हम चारों तरफ जीत रहे हैं तो इस आदमी से हम हार रहे हैं जो धोती लंगोटी पहना है एक कैसा आदमी है इसको देखना है अब ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इस सम्मेलन में बाबा अंबेडकर साहब भी मौजूद थे एनी बेसंट भी मौजूद थी सरोजनी नायडू भी गई थी लेकिन यहाँ पे जो अंबेडकर का रुख था वो अपने परिपेक्ष में कुछ ज्यादा था अपनी कुछ बातों पे वो आड़े रहे कि हमें ये ब्रिटिश सरकार से प्राप्ति करना है अब यहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक मत्ता हासिल नहीं हो पाई फिर ये जो द्वितीय गोल में सम्मेलन था यह भी अधूरा ही हो गया गांधी जी लौट आए मुंबई में जलपोष से उतरे अपने जहाज से उतरे लोगों को संबोधित किया भीड़ गांधी जी को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो मैं खाली हाथ आया हूं कुछ नहीं ले पाया कुछ नहीं ला पाया ब्रिटिशर से आप लोगों के लिए लेकिन देखो, गांधी जी कैसे मोड़ते थे बातों को मैं खाली हाथ आया हूं कुछ ला नहीं पाया आप लोगों के लिए लेकिन भले ही मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन अपनी देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया अब भारतीय जब इतनी बात सुनेंगे तो भाई उनको तो ऐसा लगेगा जैसे हाँ बहुत कुछ मिल गया और सही बात भी थी कि इज्जत पर तो बट्टा नहीं लगने दिया ना उसके बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ इसमें कुछ लोगों ने भाग लिया और कालांतर में जब इन सभी गोलमेज सम्मेलनों की रपट आ गई तो इसको भी शामिल किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक बात और जो ब्रिटिश सरकार है ना समय समय पर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ अधिनियम वगैरह को लाती थी कुछ अपने तमाम वैसे अध्यादेश भी थे और कुछ व्हाइट पेपर भी थे जैसे गवर्नमेंट आज भी इनका प्रयोग करती है कभी कभी व्हाइट पेपर पे कुछ आदेश दे देती है इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो आ, कानूनी विषय हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में कभी लाल रंग के पेपर को नहीं देखते होंगे हमेशा व्हाइट पेपर ही यूज किया जाता है उसका यही कारण <coughs> तो व्हाइट पेपर के रूप में श्वेत पत्र श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर एक ही चीज है श्वेत मतलब व्हाइट तो इसमें कुछ कानूनी बातों को रखा था और ये भी भारत के प्रशासन को चलाने के लिए ही रखा था इसको भी शामिल कर लिया गया ये चार आधारभूत बातें हैं इस आ, इस सौ के भारत सरकार अधिनियम की अब यहाँ पे 1935 के ये जो भारतीय भारत सरकार अधिनियम है इसमें आप लोग देखिए तो इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया एक संघीय न्यायालय बनाया गया केंद्र में द्वय शासन लागू किया गया प्रांतीय स्वायत्तता इसको रट लीजिए फटाफट ये 1935 के अधिनियम द्वारा ये चार व्यवस्थाएं की गई बहुत केंद्रीय बातें हैं जल्दी से इनको एक बार देखिए आप लोग आगे बढ़ते हैं धीरे से ठीक अब एक एक बातों को देखते हैं सबसे पहले अखिल भारतीय संघ को देखते हैं तो 1935 के अधिनियम द्वारा सरकार ने भारत में एक अखिल भारतीय संघ को निर्माण करने का निर्णय लिया अब ये जो अखिल भारतीय संघ है ये किससे मिलकर बनना था तो अखिल भारतीय संघ जो भारत में ब्रिटिश भारतीय प्रांत है ग्यारह प्रांत है उससे मिलकर बनना था ब्रिटिश सरकार की कुछ कमिश्नरियां हैं, उनसे मिलकर बनना था और इस समय कुछ रियासतें हैं उनसे भी मिलकर बनना था ये अखिल भारतीय संघ और ब्रिटिश सरकार ने बनाने का निर्णय लिया था तो इसमें छह ब्रिटिश भारतीय कमिश्नरियां थी और ग्यारह ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे ध्यान रखिएगा इन लोगों को इन बातों को और इसमें देसी रियासतों को भी शामिल करने की बात की गई लेकिन जो देसी रियासतें थी उनसे कहा कि भाई इस अखिल भारतीय संघ में फेडरल में आप शामिल भी हो सकते हो ये आपके मन के ऊपर है और आप नहीं भी शामिल हो सकते हो मतलब ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को मन के ऊपर आत्मा के ऊपर सोच विचार के निर्णय लेने की बात कह दी अब कालांतर में क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश भारतीय ग्यारह प्रांत थे ये तो शामिल हो गए और कमिश्नरिया भी शामिल हो गई ऑलरेडी लेकिन जो देशी रियासतें थी देशी रियासतों ने इनकार कर दिया कहा मैं इस संघ में शामिल नहीं होंगे आपसे प्रश्न पूछे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का वह बिंदु जो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था तो ये अखिल भारतीय संघ वाली ही बात थी बनाने का निर्णय तो लिया गया लेकिन जब देशी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई इनकार कर दिया तो ये संघ अधूरा रह गया और सारी बातें हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की लेकिन यही एक बात है यही एक बिंदु है जो यही एक प्रावधान है जो लागू नहीं हो पाया था ये देखो यहाँ पे ये बात लिखी भी है यही योजना लागू नहीं हो पाई थी ये प्रश्न बहुत कंसेप्सुअल है आपसे पूछा जा सकता है कई बार हमने आपको बता दिया आगे बढ़िए शासन अब जो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया अब 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया और इसी अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रांत थे उनको स्वतंत्र कर दिया उनमें स्वायत्तता की स्थापना कर दी ये भी बात आपसे खूब पूछता है अब प्रांतों में द्वैध शासन के अलावा यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और ये जो केंद्रीय विषय हैं अब इनको तीन भागों में बांट दिया गया वहां पे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था और केंद्रीय विषय को संघीय सूची प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया यहाँ पे विषय लिखित हैं ये खूब पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में यहाँ पे संघीय सूची में उनसठ विषय थे प्रांतीय सूची में चौवन विषय थे और समवर्ती सूची में छत्तीस विषय थे ठीक इसके अलावा आगे बढ़ते हैं संघीय न्यायालय की बात देखते हैं फेडरल कोर्ट आपके सामने है। <क्ष़िण> ये जो संघीय न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किया जा रहा है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था उससे अलग था ये केंद्रीय न्यायालय है ये पूरे भारत का न्यायालय है वो कलकत्ता का ही न्यायालय था अब ये जो न्यायालय है ये नई दिल्ली में स्थित था इसका मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वयर है ये जो मॉरिस ग्वयर है ना जो दिल्ली का एक तरीके से एजुकेशन का यानी आई बनने का जो हब है मुखर्जी नगर मुखर्जी नगर के बगल में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे क्लास में ये लोग जानते भी होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में ही हैं बहुत दूर दूर नहीं है इसी हॉस्टल में एक ग्वेर हाल है खूब स्टूडेंट आज भी वहां से होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूपीएससी में उनका चयन होता है तो ग्वेर हाल ये जो है वो इसी के नाम पे ही है और मौरिस नगर भी है एक थाना भी है बिल्कुल पास में ही है तो ये मौरिस ग्वेर इसका पूरा नाम ये न्यायाधीश है अन्य छह न्यायाधीश अब ये जो यहाँ पे संघीय कोर्ट की स्थापना की जा रही है फेडरल कोर्ट की इसने काम करना कब से शुरू किया ये खूब पूछा जाता है तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ और स्थापित होने के बाद में ये एक अक्टूबर 1937 से काम करना शुरू कर रहा है इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें छह न्यायाधीश हैं और इन छह न्यायाधीशों में दो भारतीय न्यायाधीश भी हैं एम आर जयकर साहब इसमें शामिल हैं और एम एस सुल्तान इसको याद कर लीजिएगा आप लोग इसका मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर छह न्यायाधीश हैं इसमें दो भारतीय न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया जैकब साहब को और इसमें सुल्तान साहब को एम एस सुल्तान साहब को शामिल किया गया अब अगर इस निर्णय को कोई नहीं मानता था तो इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल स्थित थी और यहाँ पे भी अपील किया जा सकता था न्याय के लिए ठीक अन्य प्रावधान देखिए इसको काट दीजिए कुछ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान को देखिए इस समय 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं। और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में किसका गठन किया गया सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया इसी समय 11 में से छह प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई प्रांतों में निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को इस समय विधान परिषद कहा गया आज भी यही स्थिति है वर्तमान में भी यही स्थिति है ठीक आगे बढ़िए और एक बात इसी अधिनियम के द्वारा यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में 11 भारतीय प्रांतों में चुनाव भी कराए गए थे इसी के द्वारा 1937 में लेकिन चुनाव कराए गए थे ग्यारह ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं। अब चुनावों में कौन जीता कौन सी पार्टी है कांग्रेस कितने में अपनी सरकार बना पाती है ये सब बाद में आपको मैं बताऊंगा ठीक जब आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा अब इसी अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया ये बर्मा भारत का ही हिस्सा था अब बर्मा भारत से अलग हो गया क्या हो गया ये बर्मा भारत से अलग हो गया इस अधिनियम के द्वारा दो नवीन प्रांतों का गठन किया गया उड़ीसा और सिंध दो नवीन प्रांतों का भी गठन किया गया जैसे आज गठित किए जाते हैं इसी अधिनियम के द्वारा जो आपकी इंडिया काउंसिल अठारह के अधिनियम द्वारा स्थापित थी उसको क्या कर दिया गया उसको कट कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया अब इस अधिनियम में कई खास खास बातें थीं। अब इस अधिनियम की भारतीयों ने एक तरफ से आलोचना की कोई भी इसको स्वीकार नहीं करता है इसमें जो मुस्लिम लीग पार्टी के मुख्य नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने कहा इस अधिनियम के बारे में कि यह पूर्णता सड़ा हुआ था यही मुख्य परीक्षा में यही कोटेशन खूब पूछे जाते हैं इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये पूर्णतः खोखला था ये कोटेशन प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है 1935 के अधिनियम के बारे में इसीलिए हमने रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं सी राजगोपालाचारी इन्होंने कहा कि दोहरे शासन से भी यह दयनीय था जवाहरलाल नेहरू साहब हैं ये इसके बारे में कहते हैं कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित क्या है ये गाड़ी के रूप में विद्यमान है ठीक जवाहरलाल नेहरू साहब यह बात कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अब आगे एक अधिनियम और है ठीक उन्नीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह आखिरी स्वतंत्रता अधिनियम है माउंट योजना के आधार पर 4 जुलाई उन्नीस को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता के विधेयक को प्रस्तुत किया गया 18 जुलाई उन्नीस को इस विधेयक को लागू कर दिया गया 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान <coughs> हाँ ये एक सेंटेंस जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अब इसी अधिनियम के द्वारा यहाँ पे पंद्रह अगस्त को एक तरीके से भारत नामक डोमिनियन का जन्म हुआ और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो चौदह अगस्त को चौदह अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ ठीक पाकिस्तान का क्या हुआ जन्म हुआ आगे देखिए यहाँ पे ये यह चीज लिखी हुई है स्पष्ट रूप से चौदह और पंद्रह की बात अब जो पाक है यानी पाकिस्तान है इसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने लियाकत अली बने और पहले गवर्नर कौन बने जिन्ना बने इसी स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार और जो भारत है भारत में आप लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और गवर्नर कौन बना माउंट यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन बना माउंट ठीक और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रहा यहाँ पे आज की क्लास आपकी समाप्त होगी क्योंकि अधिनियम हम लोगों ने पढ़ लिया और थोड़ा सा तबीयत भी उतनी स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है ठीक <coughs> है हाँ तो इस क्लास को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और क्लास भी आप लोगों की समाप्त हो गई ये इतने समय की क्लास ही थी आज की तो ये पी आपको मिल जाएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनएकेडमी में कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करें दस प्रतिशत फीस में छूट मिलेगी लाइक भी करते चलें आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को आज की क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को हाँ बेटा बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान रखेंगे आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है ठीक आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है ओके बेटा थैंक यू